तो स्वागत है आपका स्कूल में। दोस्तों अभी थोड़े छोटे छोटे वीडियोस आने वाले क्योंकि कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने वाले। अभी हम टर्मस के जो लर्निंग का पार्ट्स है वो बहुत कवर कर लिया है हमने और थोड़ा छोटा छोटे पार्ट्स अब रह गए, तो कुछ ही दिनों में ये भी सब मतलब कुछ ही वीडियोज़ में ये भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे और उसके बाद हमारी हैकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके तो ये वीडियो भी बहुत छोटा होने वाला है। ओके तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह फोल्डर बना सकते हो। ओके फोल्डर फाइल बनाना मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि फाइल बनाना थोड़ा बड़ा वीडियो है, तभी फोल्डर बनाने वाला है वीडियो। और अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह आप किसी भी फाइल को भी कर सकते हैं मुझे लगता है, मुझे अब ध्यान में नहीं। ओके फाइल और फोल्डर को रीनेम कर सकते हो वो अगले वीडियो में देखेंगे। और एक छोटे से वीडियो में एक छोटे से ट्रिक देखेंगे उससे हम फोल्डर बना सकते हैं टर्मक्स में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती फोल्डर बनाने की भी, पर आपको बता देता हूँ कि हम टर्मक्स लर्न कर लें मतलब एक कलनेस के लिए भी है, टर्मक्स सिर्फ टर्मक्स के लिए नहीं है क्योंकि हम हमारे मोबाइल की सीरीज है एंड्रॉइड की सीरीज है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा टर्मक्स का नाम लेता हूँ। पर एक कलिनक्स के भी है, जितने भी मैंने अभी तक तो कमांड बताए जितने भी सब कुछ बताएं वो कलिनक्स के लिए भी लागू होता है अगर आप कलिनक्स लर्न करना चाहते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं आपको हर बार बताता हूँ, ओके छोटा सा बताता हूँ ओके, क्योंकि आपको ध्यान में रहे। ओके उसके बाद बेल का आइकन को प्रेस कर लेना है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिले आपको मालूम है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी ये आपके लिए बताता हूँ मैं कि इस प्लेस को सेव कर लेना है क्योंकि जो भी दिख लगा एंड्रॉइड कोर्स के सारे वीडियोस आ रहे हैं वो सब इसी प्लेलिस्ट में, और आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। और आप लिंक को भी ढूंढ मत ढूंढिए क्योंकि यहाँ से आप आराम से मिल जाते हैं सभी एक एक पार्ट करके। मैंने सभी आप देख सकते हैं एक एक पार्ट का नाम, ओके एक मिनट पार्ट का नाम डाल डाल के किया है तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली आ जाइए, ओके देख सकते हैं। और पार्ट वन पार्ट टू बहुत मतलब डिटेल में डाला है मैंने पोस्टर भी। तो बस चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे पिछले वीडियोज हैं जो भी बेसिक कॉपी रिमूव डिलीट और मूव के, तो उसको भी देख लेना है। और उसके पहले जो बेसिक कमांड्स हैं उनको तो जरूर देख लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने जो भी बेसिक रिमूव और डिलीट और मूव कमांड को जो भी बताया वीडियो उसमें मैंने जो भी बेसिक कमांड्स वो बहुत बार यूज़ किए, और अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब ये वीडियो वैसा आसान है उसके लिए नहीं जरूरत है, अगर आप पिछले वीडियोज़ को देख लेंगे तो बहुत आसानी होगी इस वीडियो को समझने के लिए भी। तो बस इस चलो स्टार्ट करते हैं, टर्मक्स में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमें फोल्डर बनाना है। तो हम आ चुके हैं टर्मक्स में और हम यूज़ करने वाले इस बार कमांड mkdir। तो इसका फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी मैंने बताया, तो उसको उस वीडियो भी देख लेना कि थोड़े से टर्म्स बताए मैंने डायरेक्टरी मतलब फोल्डर मेक फोल्डर। तो इस कमांड का यूज़ होता है फोल्डर बनाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा इसका ऑप्शन नहीं, आपको सिर्फ mkdir डालना है और उसके बाद फोल्डर का नाम डालना है जो भी आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लोकेशन का यूज़ आप कर सकते हैं, पर इसकी बहुत मतलब कुछ भी जरूरत नहीं है। आप अलग अलग फोल्डर में जाके मतलब इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि आप जहाँ पर ही जाते वही आप फोल्डर बना सकते हो। आप किसी लोकेशन में आप मुझे लगता है फोल्डर बनाना चाहोगे तो मैं आपको वो डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको भी मालूम है लोकेशन कैसे निकालनी है और लोकेशन से कैसे यूज़ करना है। तो वो तो जो बड़ी वीडियो आने वाली है उसमें आपको बताने वाला हूँ वैसे भी। तो यहाँ पर हम सिर्फ देखेंगे किस तरह इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर mkdir डालना है और उसके बाद डालना है फोल्डर का नाम, ओके तो फोल्डर बन जाएगा। अब हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पहले से कौन से फोल्डर है। ओके एक मिनट में पहले होम डायरेक्टरी में चला जाता हूँ मेरे cd डाल के एंटर यस ओके मैं चला गया। अब देखो होम डायरेक्टरी में आ चुका हूँ, ओके मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख लो अवेलेबल फोल्डर कौन से है, टूल एक्स है ए ओके और a.py ए फाइल है। तो इससे आपको मतलब झूठ में लगे कि मैंने फोल्डर बनाया कि नहीं बनाया, अभी दो ही फोल्डर अवेलेबल है। अब मैं मेरे इस चैनल का नाम का फोल्डर बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं mkdir डालता हूँ और उसके बाद डालता हूँ anonymous और ध्यान में देखिए फोल्डर का जो भी नाम है उसमें स्पेस नहीं रहना चाहिए। हाँ दोस्तों टर्मक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फाइल मैनेजर में फोल्डर बनाते हो तो कोई बात नहीं, पर अगर आपको स्पेस देना हो तो बताता हूँ फिर से एक बार। पर सबसे पहले अगर आपको स्पेस देना है तो आप इस तरह दे सकते हैं स्कोर बार ला के कोई भी डालना है तो जो स्कोर बार है उसको डाल के आप कर सकते, सॉरी अंडरस्कोर है उसको डाल के आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको सिंगल नेम डालना है, इसमें स्पेस नहीं डालनी। स्पेस डालनी हो तो मैं बताता हूँ क्या करना है। हम mkdir डालना, सबसे पहले मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ mkdir anonymous, तो फोल्डर बन जाएगा यस एकदम anonymous का नाम का फोल्डर बन चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पेस डाल के किस तरह हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला mkdir anonymous उसकी इसको मेरा ऊपर लेता हूँ, थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, ओके mkdir डालना है। और अगर आपको लगता है कि आपको स्पेस दे के एक बड़ा वाला नाम का फोल्डर बनाना है तो आपको सबसे पहले ये जो साइन है इसको क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, मतलब देखो ये डालना है सबसे पहले ये जो साइन है मैं आपको कीबोर्ड पर बताता हूँ ये साइन, ओके ये साइन डालना है। और उसके बाद आप जितने भी स्पेस देकर जितना भी बड़ा नाम डाल सकते हैं वो डाल सकते हो। देखो ये वीडियो देखो मैं डालता हूँ कुछ भी नाम, कितने भी स्पेस दो आप कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप डायरेक्टली डालेंगे तो नहीं चलेगा। और उसके बाद लास्ट में भी आपको उसका एंड इस तरह करना है। अब मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ,
ओके बन गई हमारी फाइल और फोल्डर, ये ले देख सकते हैं। तो आपको ये जो कॉलम से ये जो इसको जो भी कहते वो डालना जरूरी है, अगर आप नहीं डालोगे तो नहीं बनेगा। तो आपको मैं आपको बता देता हूँ करके। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या एरर आने वाला है अगर आप डायरेक्ट डालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ, अगर आपको मतलब यकीन नहीं हो रहा तो मैं मतलब प्रूफ के लिए करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एम के डी आई आर डालता हूँ और उसके बाद कुछ भी स्पेस देके डालता हूँ, तो यहाँ पर दो फोल्डर बन जाएंगे आपको दिखा दो। पहला ई एफ जी जी वाला और जी एच एच वाला, मतलब इससे आप अलग अलग फोल्डर भी बना सकते हो एक साथ, मतलब बहुत सारे ये देखो बी एफ जी जी और जी एच जी जी। तो ये इस तरह जी एच एच मतलब दो फोल्डर बन चुके हैं, तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों, बताना भूल गया कि आप एक साथ बहुत बहुत मतलब बहुत सारे फोल्डर्स बना सकते हो, तो इस तरह मैंने पिछली बार बनाए। अगर आप स्पेस देंगे तो अलग अलग फोल्डर बन जाएंगे। ओके, तो स्पेस देने के लिए आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, और ये जो मैंने बताया इसका यूज़ आप कर सकते हो, इसका दोनों तरफ और इसके अंदर नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी मैं डालूंगा, जितने भी स्पेस देकर डालूंगा उतने फोल्डर बन जाएंगे। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब यहाँ पर फोल्डर बनाना बहुत आसान है, जिस तरह आप इतनी आसानी से फाइल मैनेजर में भी नहीं बना सकते फोल्डर, मुझे नहीं लगता। एंटर, सॉरी कुछ प्रॉब्लम, कैन नॉट क्रिएट जी। ओके, ये जो जी जी एच एच ये जो ये पहले से ही अवेलेबल ऐसा कह रहा है कि फाइल एग्जिस्ट तो होगी, मुझे लगता है मैंने बनाई होगी। तो यहाँ पर मैं यस करता हूँ, बहुत सारे फोल्डर्स बन चुके होंगे। देखो जी 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 ओके, डबल होने की वजह से जी था पहले सा, यस भी था, तो इसलिए नहीं बना। ओके, अगर पहले से ही आते हैं जी एच एच मतलब कोई भी फोल्डर, तो वो नहीं बनेंगे। ओके, तो इस तरह आप कर सकते हो। तो ये था एकदम छोटा सा वीडियो, मतलब वो भी बड़ा हो गया है एक्सप्लेनेशन करने में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलो चलते हैं।